और गुड मॉर्निंग. और अभी मैं इधर से निकल रही हूँ हरिद्वार से, और जिस जगह जाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वहाँ हम अभी निकलने वाले हैं. फाइनली पहुंच गई हूँ मसूरी, और आपको मैं जल्दी से मेरी रूम टूर देती हूँ. यह है बेड, इधर सामान रखने की जगह है, इधर हूँ मैं, इधर सिटिंग एरिया है, कबर्ड है, और ये तो मैंने भी नहीं देखा. ओके जनरल, हेलो अगेन. तो अभी हम सनग्रेस में रुके हैं. सनग्रेस मसूरी में थोड़ा हमें दूर पड़ा, कुछ तो अलग करना चाहिए था, लेकिन नो इश्यूज. और अभी कल इधर से निकलना है. निकल के मसूरी के लिए आज एक ही दिन है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा ठंड है मसूरी में, तो जल्दी से अभी इधर से निकलेंगे और घूमने जाएंगे. तैयार होकर निकलने वाले हैं घूमने के लिए. सो रिसेप्शन पर हमें कोई तो टैक्सी वगैरह मिलेगी. अभी एक बहुत ही महंगा पैकेज लेकर हम निकल रहे हैं, क्योंकि इधर एक टैक्सी यूनियन है जो थोड़ा महंगा है अगर आप स्टूडेंट हो तो. लेकिन पहले अभी हम केम्प्टी फॉल और दो तीन पॉइंट्स है वो कवर करेंगे. तो अभी हम आ चुके हैं केम्प्टी फॉल, थोड़ा चलना बाकी है. और एक हमारा प्रॉब्लम हो गया कि हम अच्छे से लंच करके निकले, और अभी पेट में कुछ तो अलग ही हो रहा है, क्योंकि पूरा घाट वाला लोकेशन था. लेकिन मतलब बच गए हम ये करते करते. केम्प्टी फॉल्स जो आपको इधर पीछे दिख रहा है, हम एक्चुअली नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें लेट हो गया है, और आज का एक ही दिन है मसूरी के लिए. लेकिन आप नीचे जा सकते हैं, पानी में भी खेल सकते हैं, लेकिन इतनी ठंड है तो वैसे भी हम पानी में नहीं खेलने वाले थे. तो हमें जल्दी से जल्दी और पसंदीदा लोकेशन को एक्सप्लोर करना है. तो अभी आ चुके हैं कंपनी गार्डन, और मेरे बाबा को लग रहा था कि मुझे इधर आना चाहिए, क्योंकि मैं बचपन में इधर आई थी, तो सोचा क्यों ना आ जाए. वैसे टाइम थोड़ा कम है, लेकिन जल्दी से देख कर आएंगे. तो गार्डन में आने के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा. इधर ऐसी बोटिंग होती है, मतलब आप आना चाहो तो आ सकते हो. ऊपर के साइड में नर्सरी है, और बीच में है आर्टिफिशियल वाटरफॉल. तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप इधर अगर कम टाइम के लिए आ रहे हो तो ना आए, यही बेहतर रहेगा. और अच्छे अच्छे लोकेशंस है, भट्टा फॉल्स और बहुत सारे फॉल्स, आई डोंट नो, लेकिन आप उधर चले जाइए. इधर से अब निकलेंगे गन हिल पे है रोप वे, और जल्दी सनसेट हो सकता है, डोंट नो कब. बैठे हैं साइकिल रिक्शा, सो अगर बैठे हैं साइकिल रिक्शा में, व्हाटएवर आपको समझ में आ गया, तो मसूरी आ रहे हो तो ये बहुत फेमस है. लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि वज़न कुछ कम नहीं है, और इनको हमें मतलब खींचते जाना पड़ रहा है. ये सवारी का कॉस्ट दोनों का मिलकर 50 है.
तो मसूरी का जो ये रोपवे है इसका जाने आने का मिलकर 125 रुपीज़ टिकट है, लेकिन शायद ये हाईएस्ट पॉइंट से जाता है, गन पॉइंट रोपवे, तो देखते हैं वर्थ होगा क्या, लेकिन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्थ होगा और बहुत लोगों को एक साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इधर सनसेट जल्दी होता है, तो अगर आप इधर आना चाहो तो आप वो देख के आइए कि रोपवे में बैठ रहे हो तो आपको थोड़ा मतलब सूरज हो, तो अराउंड 4:30 या 5 बजे तक सनसेट हो जाता है। और इधर मतलब भीड़ है, लाइन्स है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी आइए। इधर था रोपवे और ये है गन पॉइंट और स्नो व्यू पॉइंट, तो ये पॉइंट थोड़ा घूमकर हमारा रिटर्न का टिकट है, तो फिर वापस जाएंगे। तो आप अगर आप गन पॉइंट आ रहे हो तो ये व्यू प्लीज़ चेक कीजिए, बहुत अच्छा व्यू है। अभी हमने आज तक का सबसे बेस्ट सनसेट देखा, और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप चेक कीजिए इधर आने से पहले कि सनसेट कब होता है। मतलब हमारी पूरी जर्नी तक सूरज हमारे साथ नीचे गया, तो ये बहुत ही स्पेशल जर्नी रही। यस या उपहार में भी आपको मसाला दूध या हॉट चॉकलेट मिलेगा, तो हमने इस कूलर में लिया है मसाला दूध। अभी ये पीते पीते हमें हमारे टैक्सी की तरफ जाना है और उधर से जाएंगे होटल। हाँ, इतनी ज़्यादा ठंड है, गाल लाल हो चुके हैं। मैं अभी अभी या अभी अभी नहा के बाहर आई हूँ, और कैसे बाहर आई हूँ मुझे पता है। इधर हीटर चालू है, दिख नहीं रहा आपको, बहुत ही पुरातन काल का हीटर है, सो कुछ हो नहीं रहा। तो ये था आज मेरा मसूरी का एक पूरा दिन, और अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ही दिन मिला मसूरी में, लेकिन कल से नया एडवेंचर है जिसका अलग ब्लॉग होगा। सो आपको ये उत्तराखंड सीरीज और ऋषिकेश और मसूरी का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, एंड आई लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।